अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, दुआ खैरियत से हो। तुम साढ़ा वेखते पे यूट्यूब चैनल शफकत ब्लॉग, तो मैं थोड़ा अपना शफकत जी। साढ़ा चूजा आ जाओगा जी 10 डे। तो आज सा टॉपिक है जनाब पोल्ट्री बायोसिक्योरिटी, फार्म बायोसिक्योरिटी का टॉपिक है। तो जिहड़े दोस्त साढ़े चैनल पर नवे आ, साढ़े चैनल लाइक कर लें, शेयर कर लें, सबसक्राइब कर लें, ताकि आराम आने वाली वीडियो थोड़े तक पहुँचे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। फार्म बायोसिक्योरिटी क्या है? फायरम बायोसिक्योरिटी क्या है? पिछले 20 साल तो पोल्ट्री इंडस्ट्री के बेपना इजाफा होया। पूरी दुनिया सस्ती और म्यारी प्रोटीन फराहम कर इस पोल्ट्री के और बहुत ज़्यादा इजाफा होया। और जितना पोल्ट्री इजाफा होया, इतना ही बीमारियाँ वेखन, बीमारियाँ आम होने का इजाफा होया। फार्मर बहुत ज़्यादा खसारा होता है। इस एंटीबायोटिक वैक्सीन तो इन सारे ना बीमारी रोकी पैंती है, मुमकिन है वो ना ही। लेकिन सब तो ज़्यादा जी जरूरी है बायोसिक्योरिटी के असूलों के नाल मद्देनजर रखते हो, तो बहुत ज़्यादा नुकसान से बच सकते हो और अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हो। पोल्ट्री के ब्रायलर लेयर मुर्गियों में अच्छी पैदावार मौजूद सलाहियत है, लेकिन बीमारियों के खतरा बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा हद ज़्यादा शर्मवात बीमारियाँ शर्मवात होती है, बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। और मैनेजमेंट के असूल बहुत ज़्यादा है इसमें, मैनेजमेंट का रोल ज़्यादा है इसमें। और उसके बाद है जी बायोसिक्योरिटी, बायोसिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है इसमें। बायोसिक्योरिटी के दो बुनियादी असूल हैं जिन्हें तो कवरिंग करके सारे कुछ क्लीयर करके तो असर ना पोल्ट्री अच्छे तरीके असं गाइड कर सकते हैं। हूँ बायोसिक्योरिटी तुम करसो तो ही बायोसिक्योरिटी के बायोसिक्योरिटी दो किस्म की बायोसिक्योरिटी है। उस बायोसिक्योरिटी फैलाने वाले जरसीम फार्म में मुंतकिल होते हैं। ये तो हर बंदे ने पता इस चीज़ का, भाई बीमारी फैलाने वाले जरसीम जो फार्म मुंतकिल होते हैं किस तरीके आने। और एक होर होंगे कि दूसरे होंगे जनाब जी बीमारी फैलाने वाले जरसीम को बीमारी फैलाने से रोकना। दो तरीकाकार हैं इस पोल्ट्री तो अक्सर लोग दाखिल बीमारी फैलाने वाले जरसीम जड़े वो जनाब ली बहुत तरीके अंदर दाखिल होते हैं। ये दो जानदार होते हैं, बेजान चीज बेजान चीज़ों ही आ बन जानदार चीज़ों ही अंदर दाखिल हो गए, मुंतकिल हो सकते हैं। गाड़ियाँ अंदर फार्म अंदर आनी उन्होंने भी आ सकते हैं। आलात फार्म की कोई चीज़ अंदर बाहर आती उस भी आ सकते हैं। जिहड़ियां मेरा अपना जाती तजर्बा ना जाती तजर्बा मेरे वेखने 80% इन वजह तो बीमारियां फैलदियां, मेरा अपना जाती तजर्बा है। शहर के अंदर थोड़ी आमदराफ जितनी घट हो सी उतना फायदा है, बाहर आमदराफ घट रखो। तो शहर के लोग ड्यूटी करते वर्कर फार्म के सुपरवाइजर करते उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती का मना किया अंदर बाहर जाने तो, क्योंकि अंदर बाहर जा सन तो ही मसले मसायल बहुत ज़्यादा आ सन। क्योंकि इस होंगे कि यूनिफार्म का इंतजाम हो, शहर के बहुत ज़्यादा मसल मसा एक फार्म के उत्ते थोड़ी डिब बनी हुए इन नाउट के उत्ते जिसे गड्डिया के व्हील वाश हो गड्डिया अंदर आम है। दूसरा थोड़ा जनाब जो बंदा आ रहा है पैर उत्थे डिप करके अंदर आवेन शहर के अंदर दाखिल होवे, ये बहुत जरूरी है ड्यूटी के दौरान। यानी कि और ड्यूटी दौरान अगर थोड़े वर्कर यूनिफार्म नहीं इस्तेमाल करते, यूनिफार्म इस्तेमाल करते ठीक है, अगर नहीं करते तो अपने कपड़े तुनना को अपने कपड़े बाहर नहीं पाने। अगर बाहर पाने का सूट एक दो अलग अपना रख लो, ये बहुत ज़्यादा दाखिल डिसइंफेक्शन डिसइंफेक्शन रखो, डिसइंफेक्शन का स्प्रे करो, सारिया चीज़ा करो यार सारे इन चीज़ों थोड़ा थोड़ा कवर करके तुम जनाब जी अपना बायोसिक्योरिटी जी बहुत अच्छी बना सकते। थोड़ी बायोसिक्योरिटी अच्छी हो सी, थोड़ा फलाक भी हेल्दी हो सी। अस अक्सर लोग जड़े ना इन चीज़ पर कवरिंग को नहीं करते बायोसिक्योरिटी उत्ते, जिद में बहुत ज़्यादा होने जरासीम याद रख करो। ये जरासीम जो थोड़े शहर के उत्ते परिंदे आने दरख्त और इन्होंने जरिए जरासीम धक्के लोग रहते हवा के जरासीम होंगे ठीक है, हवा वाला तो कोई भी नहीं जरासीम होंगे। और जिड़ी मुंतकिलियां जब शहर के अंदर थोड़ा मुनाफ से फासला होना चाहिए, अगर शहर टू शहर के थोड़ा बहुत ज़्यादा मुनाफे से फासला हो शहर टू शहर, क्योंकि ये स्ट्रैस पैदा होता है, स्ट्रैस पैदा करता है। जिसे परिंदे थोड़े दरख्तों के आ बनते हैं शहर के आस पास परिंदे को बीमारी लगी थोड़े चूहे आँदी चूहे थोड़े स्ट्रैस पैदा होने बीमारी फैलने मौजूद बनते हैं।
ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅਕਸਰ ਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿੰਦੇ ਮੱਛਰ ਚਿੱਚੜ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਕਸਰ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਲੀ ਵੈਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਨ ਲੱਗੀ 99% ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਂਟੇ 'ਚ ਆ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੈਂਟੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਵੈਂਟ ਛਿੱਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੈਂਟ ਤਕਰੀਬਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੈਂਟਾਂ 'ਚ ਹਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵੈਂਦੀ ਅੰਦਰ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਚੂਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਚੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੂਹਾ ਅਕਸਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਹੈਚਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮਰ ਕਾਮਯਾਬ ਫਾਰਮਰ ਤਰੀਕੇ ਹੈਚਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛਾ ਚੂਹਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਚੂਹਾ ਖਰੀਦੇ, ਉਹਦੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ ਵਜਨ ਅਤੇ ਪਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੂਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੂਹਾ ਮਾਈਕੋ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸਲਮੁੰਦਾ ਵਗੈਰਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਲਦੀ ਫੁਲਾਕ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਮੱਖੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੱਛੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਇਸ ਕੋਟੀ ਦੀ ਮਖਾਸਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੈਸੇ ਕਿ ਰਾਨੀ ਖੇਤ ਕਮੋਰ ਵਗੈਰਾ ਕਾ ਫਾਰਮ ਸੇ ਰੋਕਣਾ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਹੌਲ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਜੈਸੇ ਕਿ ਇਕੁਲਾਈ ਸਾਲਮੀਲੋ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਐਸੇ ਜਰਸਿਮ ਕੋ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਜੋ ਪਰਿੰਦੋ ਕੀ ਕੁਵਤ ਮੁਦਾਫਤ ਮੇਂ ਕਮੀ ਲਾਤੇ ਹੈ। ਬਾਏ ਸਕਿਉਰਟੀ ਹੋ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਬਾਏ ਸਕਿਉਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਾਏ ਸਕਿਉਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਬਾਏ ਸਕਿਉਰਟੀ ਜੇ ਜਰਸੀਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਕਸਰ ਫਾਰਮ ਮਿਲੇਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। 99% ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ੈੱਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਡਿੱਪ ਨਹੀਂ ਤੱਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਮੇਨ ਗੇਟ 'ਤੇ ਡਿੱਪ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਏ ਸਕਿਉਰਟੀ ਤੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਏ ਸਕਿਉਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਾਏ ਸਕਿਉਰਟੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬਾਏ ਸਕਿਉਰਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕਦੀ ਫੁਲਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਲਦੀ ਪੱਲੇ ਜਿਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਬਾਏ ਸਕਿਉਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਬਾਏ ਸਕਿਉਰਟੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਾਏ ਸਕਿਉਰਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਬਾਏ ਸਕਿਉਰਟੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਏ ਸਕਿਉਰਟੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਘਰ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਲ ਡਿਸਟਮ ਬਾਏ ਸਕਿਉਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹਿੱਕੇ ਨਸਲ ਦੇ ਹਿੱਕੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਰੱਖੇ ਕਰੋ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਰਿੰਦੇ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕਰੋ। ਔਰ ਬਾਏ ਸਕਿਉਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜੰਗਲੀ ਪਰਿੰਦੇ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਵਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਓਪਨ ਓਪਨ ਸ਼ੈਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਦਰੇਖਾਂ ਲੈਂਦੇ ਦਰੇਖਾਂ ਇਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਓਪਨ ਸ਼ੈਡ ਵਾਲੇ ਗਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ। ਯਾਰ ਬਾਏ ਸਕਿਉਰਟੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਬਾਏ ਸਕਿਉਰਟੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਕ। ਬਾਏ ਸਕਿਉਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੈਡ 'ਤੇ ਭਰ ਗੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਮਾਰਿਆ ਵਾਂਗੇ, ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਮਾਰਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਫਿਰ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਕਸਰ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਸਕਿਉਰਟੀ ਕਰੋ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਏ ਸਕਿਉਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 99% ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕਾ ਫਿਰ ਫਿਰਾ ਕੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆ ਸਨ, ਉਹੀ ਚੱਪਲ ਉਹੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ, ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੇਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਬਰ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮਰ, 99% ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਏ ਸਕਿਉਰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਸਿਰਫ ਲੇਬਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੇਬਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੇਬਰ ਕਰੇ ਕੰਮ, ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਫਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਪੋਲਟਰੀ ਦੀ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਬੜੇ ਮੁੱਦਤ ਹੋ ਗਈ ਪੋਲਟਰੀ 'ਚ। ਅਕਸਰ ਫਾਰਮਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਯਾਰ। ਬਾਏ ਸਕਿਉਰਟੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੱਕਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਬਾਏ ਸਕਿਉਰਟੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਦੀ ਪਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਦੀ ਫਲਾਕ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਇਰਲ ਮਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਫਲਾਕ 90% ਉਹਦੇ ਹਲਦੀ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਇਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਾਰਮ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ। ਫਾਰਮ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲੇਬਰ ਨਾਲ, ਲੇਬਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਲੇਬਰ ਇੱਕ ਫਲਾਕ ਤੱਕ ਜੀ, ਦੋ ਫਲਾਕ, ਤੀਸਰੇ ਫਲਾਕ ਲੇਬਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਯਾਰ ਲੇਬਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਆਖਣ ਦੀ, ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਵਾ ਸਕਦੇ।
सिक्योरिटी गार्ड जनाब थोड़ा पूरा इलाका फेरा, उस बाद मुंशी पूरा इलाका फेरा, मुंशी जरा सारी दुनिया फेर के आंदा जनाब फार्म के ना कपड़े नाता धोतो खाई आंदे रह, क्योंकि मुंशी सरदार है फार्म का। खुदारा इस चीज़ को गौर करो यार, इस चीज़ फार्मर इतराज है, फार्मर आदि नहीं जी साडा मुंशी इस तरह नहीं करता। तुहाड़ा मुंशी भावें जो मर्जी चरस पी के आए, भंग पी के आए, पोटर पी के आए, जो मर्जी पी के आए, जो फार्म के आया किसी ने गाल कड़ी मंदा कि ठीक है जी इस तरह ठीक है चलन दो, उन्होंने नहीं तुम रोक सकते। मुंशी जी मुंशी शायद चक्कर मार रहे मुंशी जनाब जी शेड का इंजीनियर होंगे, शेड का फार्म का जो मर्जी लेबर न करे, गाल कटे मंदा कटे, कोई कुछ भी नहीं करता। तो 99% फार्मर मुंशियों की वजह तो खराब है, मुंशियों की जो फलाक का बेड़ा गर्क आंदा ने, याद रखा है मेरी गल, 99% मुंशियों बदतमीजी होंगी लेबर न करते, सुपरवाइजर न करते, फिर और कुछ भी नहीं कर सकते। फार्मर एवें नहीं तो फिर एवें आन जाओ, फार्मर मिलना तो है ना एक दफा फार्मर को, फार्मर साड़ी गल नहीं सुनी, उन्हें मिलना है, फिर दसना भाई किमें पोल्ट्री काम करी है। मालिक घर सौंदा सुपरवाइजर शेड से होंगे, रात 4 बजे सुपरवाइजर उठ के जनरेटर खराब कर दे, चूजे कोई छला दे, जो मर्जी कर दे, फार्मर उन्होंने वर्कर सुपरवाइजर दस के बहुत। मैं तुम थोड़ा अरसा पहले की गल दस, एक जगह तेना सुपरवाइजर वालदा फौत हुई, मुंशी मालिक फार्म तो नहीं, मुंशी को छुट्टी मंगी, मेरी वालदा फौत हुई, मैं जाना जनाजे ते, मुंशी अगर तू छुट्टी नहीं जा सकता वालदा की जनाजे ते, सॉरी वालदा नहीं सस, तो मुंशी ने सह तू नहीं जा सकना, आखिर चलो ठीक है तेरी मेहरबानी। मुंशी को छुट्टी मंगी, मुंशी उन्होंने पैसे शैसे कराए, जी पैसा करा दिता, उस दो बार मुंशी गल की, तीसरी बार मुंशी ने उन्होंने चपेड़ मार गया, जिस टाइम उस उन्होंने चपेड़ मारी ना मुंशी, तो मुंशी सुपरवाइजर आखे यार मेहरबानी कर चपेड़ ना मार, बंदा रख लो अपना काम करो, मैं नहीं करना। खैर सुपरवाइजर लेबर सारी मजबूर हो गई, उन्हें काम करना शुरू कर दिया, एक फलाक उन्हें कढ़िया, दूसरा तीसरा फलाक जल्द उन्हें कढ़िया ना, उन्होंने तकिया अज मुंशी फार्म तो नहीं है, अज मालिक भी फार्म तो नहीं है। उन्होंने मालिक ने पता क्या किया है, उन्हें किया जनाब मालिक तो जनाब जी ट्रांसफार्मर खोलिया, खोल के थले सटिया, मालिक मुंशी दोनों को नहीं, उन्हें जना ट्रांसफार्मर खोलिया, ट्रांसफार्मर खोल के थले सड़ के उन्हें अपनी गड्डी मंगा लीए, गड्डी मंगवा के सिक्योरिटी गार्ड उन्हें चा नशे वाली गोलियां दे दी, नशे वाली गोलियां दे के जनाब उन्होंने ट्रांसफार्मर थले सटे, सारे जनरेटर जनाब उन्हें जनाब जनरेटर में रेत पाई है, रेत पा के रेडिएटर खोल के पाड़ के सड़ के एक जनरेटर चलना छोड़ के थोड़ा जहा डीजल पाया ने, तो जल्दी हुआ कि लेबर जो नस गई है सारी, उस बाद जनाब जो आखिरी बंदा रहा उन्होंने उस जनाब गड्डी उसके कोल खड़ी आई, उस आखिरी जनरेटर चलते दे डीजल रेत पाई है, मिट्टी पाई, अर्चा पा के गड्डी बह के, तो मालिक ने सुपरवाइजर फोन करता है, जल्द जनाब जो घर पहुँचना लादा, अब बचा सकता तो बचा लै दो शेडा, दोनों शेड यकीन कर लो दो शेडा चू दो गड्डिया भी नहीं निकलिया माल दियाँ मालिक दियाँ, तो मालिक तो लग गया ना किसी किनारे, गलती की दी सी मुंशी की, उन्होंने छुट्टी चाहती सी, मजबूरी है यार, तुम अपना बंदा अरेंज कर लो, अगर सस फौत हुई वालदा फौत हुई एमरजेंसी में छुट्टी दो, ऐ फार्मर के हालात हैं जिसे फार्मर जनाब इस तरह के बस अपने नुकसान उठा रहा है, तो लेबर भी बड़े कम कर दी है माशाल्लाह जी, लेबर भी इस तरह कम कर जा सी कि मालिक बस किसी किनारे ला के जा सी, यार फार्मर को कुछ सोचना चाहिए लेबर के बारे, मजदूर हैं मुलाजिम हैं दूरों आए हैं, गाल ना कटो मंदा ना कटो, कम नहीं हो सकता इन्होंने फारिग कर दो, अगर तुम साढ़े काम के लायक नहीं फारिग हो साढ़े को, चीज़ ना की करो, तो फिर मालिक जो खसारा उठा तो फिर मालिक पूरी दुनिया में रोल पिट के दसदा मेरे नाल एवें हो गया ने एवें हो गया ने एवें हो गया ने, पहले अपनी गलतियां को नहीं मनता कोई भी, लेबर है तो भी अपनी गलतियां ना मन सी, मालिक वो भी अपनी गलती ना मन, दोनों एक दूसरे जनाब जी समझो। अगर साड़ी वीडियो जनाब तुम्हें अच्छी लगी चैनल लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के।